बसमिल रहीम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स इज अकबर अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ़ ग्रेड एट टुडे आर टॉपिक इज साइमल्टेनियस इक्वेशंस. लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज सेवनटीन की दो वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी आज हम एक्सरसाइज सेवनटीन को कम्प्लीट करेंगे बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवन सॉल्व करेंगे द एजेस ऑफ टू सिस्टर्स रेहाना एंड सोनिया एड अप टू ट्वेंटी दो सिस्टर्स हैं रेहाना और सोनिया दोनों की एजेस को एड करें तो रिजल्ट ट्वेंटी आता है द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज एट ईयर्स दोनों सिस्टर्स की एजेस का डिफरेंस एट इयर्स है वट आर देयर एजेस हमने उन दोनों सिस्टर्स की एजेस फाइंड करनी है तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले स्टूडेंट्स दोनों की एजेस लेट कर लेंगे लेट एक्स बी द एज ऑफ रेहाना एंड वाई बी द एज ऑफ सोनिया अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट दोनों की एजेस का सम्वेंटी इयर्स है तो ये हमारे पास इक्वेशन वन आ जाएगी अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट दोनों की एजेस का डिफरेंस एट ईयरस है ये इक्वेशन टू आ गई अब इक्वेशन वन में वाई का कोफिशियंट प्लस वन है और इक्वेशन टू में वाई का कोफिशियंट माइनस वन है तो इन दोनों इक्वेश को एड कर देंगे वाई कैंसल हो जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी बाय एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी इक्वेशन वन एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एट ये इक्वेशन टू है एड करेंगे प्लस वाई माइनस वाई से कैंसल हो गया एक्स प्लस एक्स टू एक्स ट्वेंटी प्लस एट ट्वेंटी एट अब ये टू राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाय टू तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फोर्टीन क्योंकि ये टू के साथ इसकी कटिंग हो जाएगी टू वन दू टू वन दू टू फोर दू तो x की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई इट कि एज ऑफ रेहाना 14 ईयर्स है अब ये x की वैल्यू 14 को हम पुट कर देंगे इक्वेशन वन में पुट x इज इक्वल टू फोर्टीन इन इक्वेशन वन इक्वेशन वन हमारे पास है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी अब इस इक्वेशन में x की जगह हम 14 पुट कर देंगे 14 प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी ये 14 राइट right साइड पे जाके माइनस हो जाएगा y इज इक्वल टू ट्वेंटी माइनस फोर्टीन तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सिक्स तो वाई हमने सोनिया की एज लेट की थी तो एज ऑफ सोनिया इज सिक्स इयर्स तो इसके सोल्यूशन में हम लास्ट में लिखेंगे हेंस एज ऑफ रेहाना इज इक्वल टू फोर्टीन इयर्स। एंड एज ऑफ सोनिया इज इक्वल टू सिक्स इंटूडेंट इन दोनों एजेस को एड करें फोर्टीन प्लस सिक्स तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाएगी फोर्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी होता है और दोनों एजेस का डिफरेंस एट ईयर गिवन था तो फोर्टीन माइनस सिक्स करें तो रिजल्ट एट आएगा जी स्टूडेंट सब क्वेश्चन नंबर एट सॉल्व करेंगे एट अ कैफे द बोर्ड एट द एंट्रेंस सेट थ्री ग्लासेस ऑफ कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम इक्वल्स टू फोर कप्स ऑफ कैपचिनो जब आप एक कैफे में एंटर होते हैं तो बोर्ड हमें यह बताता है कि तीन ग्लास कोल्ड कॉफी के और चार कप्स कैपचिनो के दोनों की प्राइस सेम है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इक्वल है दोनों की प्राइस अब्बास पेड रूपीज फोर्टीन हंड्रेड फॉर फोर कप्स ऑफ कैपचिनो एंड फोर ग्लासेस ऑफ कोल्ड कॉफी अब्बास ने चार कप्स कैपचिनो और चार ग्लासेस ऑफ कोल्ड कॉफी के चौदाह सौ रुपए अदा किए वट विल अबास पे इफ ही गेट्स फाइव कप्स ऑफ कैपचिनो एंड फाइव ग्लासेस ऑफ कोल्ड कॉफी अब्बास कितनी रकम अदा करेगा अगर वो पांच कप्स कैपचिनो के लेता है और पांच ग्लास कोल्ड कॉफी के लेता है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन में हम एक ग्लास कोल्ड कॉफी की प्राइस कलेक्ट कर लेंगे और एक कप ऑफ कैपचिनो की प्राइस भी लेट कर लेंगे तो लेट एक्स बी द प्राइस ऑफ वन ग्लास of cold coffee and y be the price of one cup of cappuccino अब फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक तीन ग्लास कोल्ड कॉफी के चार कप्स कैपुचिनो के दोनों की प्राइस इक्वल है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट एक ग्लास कोल्ड कॉफी की प्राइस हमने लेट की है एक्स तो तीन ग्लास की प्राइस हो जाएगी थ्री एक्स इज इक्वल टू चार कप्स ऑफ कैपोचिनो की प्राइस भी सेम है तो एक कप ऑफ कैपोचिनो की प्राइस वाई है तो चार कप्स की प्राइस फोर वाई हो जाएगी अब ये फोर वाई लेफ्ट साइड पे आएगा तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि राइट साइड पे पॉजिटिव साइन के साथ है तो थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो दिस इज इक्वेशन वन अब सेकंड कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली सेकंड इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट अब सेकंड स्टेटमेंट है कि उसने चार कप्स ऑफ कैपचिनो और चार ग्लास कोल्ड कॉफी के चौदाह सौ रुपए अदा किए इट मीन्स के फोर एक्स प्लस फोर वाई क्योंकि चार ही ग्लास हैं कोल्ड कॉफी के और चार कप हैं कैपचिनो के तो फोर एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू फोर्टीन हंड्रेड अब इसमें से फोर कॉमन आ जाएगा फोर कॉमन ले लेंगे तो इक्वेशन और स्मॉल हो जाएगी फोर इसमें से कॉमन ले लेते हैं यहां आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू फोर्टीन हंड्रेड अब इक्वेशन स्मॉल कैसे होगी कि जब ये फोर जो कॉमन लिया राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा तो फोर्टीन हंड्रेड और फोर की कटिंग हो जाएगी तो इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर्टीन हंड्रेड डिवाइडेड बाय फोर तो यहां से हमारे पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी फोर्टीन हंड्रेड को फोर पे डिवाइड करें फोर वन जार फोर फोर थ्री जार ट्वेल्व टू कैरी चला गया ट्वेंटी हो गया फोर फाइव डार ट्वेंटी एंड फोर जीरो जीरो x तो प्लस वाई की वैल्यू आ गई 350. फिफ्टी दिस इज इक्वेशन टू अब इक्वेशन वन में x का कोफिशियंट 3 है और इक्वेशन टू में x का कोफिशियंट 1 है इन दोनों कोफिशियंट को सेम करने के लिए हम इक्वेशन टू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू बाय थ्री ये आ जाएगा थ्री एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री फिफ्टी को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन थाउजेंड फिफ्टी आ जाएगा दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री अब इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री में एक्स के कोफिशेंट सेम हो गए दोनों के साइन पॉजिटिव हैं लिहाजा हम इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन थ्री में से बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन थ्री अब इक्वेशन थ्री ऊपर लिखेंगे थ्री एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू वन थाउजेंड फिफ्टी और इक्वेशन वन है थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो अब इसको सब्ट्रेक्ट करने इसलिए नीचे वाली इक्वेशन की तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे जीरो के साथ ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है इसका साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ये थ्री एक्स कैंसिल हो जाएगा फोर प्लस थ्री सेवन वाई इन दोनों को ऐड करें तो वन ज़ीरो फाइव ज़ीरो आ जाएगा यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी सेवन राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो वाई इज इक्वल टू वन ज़ीरो फाइव ज़ीरो डिवाइडेड सेवन इसकी कटिंग हो जाएगी सेवन वन दर सेवन थ्री इधर गया थर्टी फाइव सेवन फाइव थर्टी फाइव और सेवन जीरो वन फिफ्टी आ जाएगी वाई की वैल्यू तो वाई की वैल्यू हमने प्राइस लेट की थी कप ऑफ कैपचिनो तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कप ऑफ कैपचिनो की प्राइस आ गई वन फिफ्टी रूपीज अब ये वाई की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें टू में या वन में या थ्री में तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो पुट वाई इज इक्वल टू वन फिफ्टी इन इक्वेशन टू इक्वेशन टू है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री फिफ्टी की जगह 150 पुट करेंगे x प्लस वन फिफ्टी इज इक्वल टू थ्री अब ये 150 फिफ्टी राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा 350 फिफ्टी माइनस वन तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 200। अब हमारे पास वन कप ऑफ कैपोचिनो की प्राइस भी आ गई और वन ग्लास ऑफ कोल्ड कॉफी की प्राइस भी आ गई हमने फाइव कप्स ऑफ कैपोचिनो एंड फाइव ग्लासेस ऑफ कोल्ड कॉफी इसकी हमने प्राइस बतानी है कि अबास को कितने अदा करने होंगे तो फाइव कप्स ऑफ कैपचिनो कैपोचिनो की प्राइस हमने वन कप की वाई लेट की भी है तो ये हो जाएगा फाइव वाई फाइव एक्स तो टोटल प्राइस आ जाएगी दोनों को हम एड कर देंगे फाइव वाई प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू हमारे पास आई है वन फिफ्टी प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास है 200. अब फाइव को 150 से मल्टीप्लाई करें तो 750 आ गया और फाइव को 200 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 आ जाएगा तो इन दोनों को ऐड कर दें तो रुपीस वन आ जाएगा तो इट मींस कि हैव टू अब रुपीस 1750 फॉर फाइव कप्स ऑफ कैपचिनो एंड फाइव ग्लासेस ऑफ कोल्ड कॉफी जी स्टूडेंट्स अब मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज सेवनटीन के फर्स्ट एमसीक्यूज है इक्वेशन टू ए माइनस फाइव बी इज इक्वल टू सेवन हैज ए ऑप्शन है अ यूनिक सोलूशन बी ऑप्शन है टू सोल्यूशन ऑप्शन है मेनी सोल्यूशन और डी ऑप्शन है नो no सोल्यूशन अब स्टूडेंट इस पर गौर करें यहां हम ए की जगह अगर सिक्स पुट करते हैं और बी की जगह वन पुट करें तो टू सिक्स ट्वेल्व माइनस फाइव इंटू वन फाइव तो ट्वेल्व माइनस फाइव रिजल्ट क्या आएगा जो राइट right साइड पे लिखा हुआ है सेवन इसी तरह यहां पे अगर हम इलेवन पुट करें तो टू इलेवन ट्वेंटी टू हो जाएगा और यहां थ्री पुट करें तो माइनस फिफ्टीन आ जाएगा ट्वेंटी टू माइनस फिफ्टीन करें तो रिजल्ट फिर भी सेवन आ रहा है इसी तरह बहुत सारी वैल्यूज हैं ए और बी की जो हम लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी की जगह पुट करें तो रिजल्ट सेवन आएगा इट मीन्स कि दिस इक्वेशन हैज मैनी सोल्यूशंस इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी सेकेंड एमसीक्यूज है फोर वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस सिक्स एंड थ्री वाई इज इक्वल टू सेवन माइनस टू एक्स आर टू साइमलटे द वैल्यू ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स इज वाई इज इक्वल टू सेवन एक्स माइनस थर्टीन अब इस एम सी क्यूज को आपको रफ में सॉल्व करना पड़ेगा ये जो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई है इन दोनों इक्वेश में से हम वाई की वैल्यू निकालेंगे अगर y की वैल्यू इसके इक्वल आएगी तो डेफिनेटली y इन टर्म्स ऑफ x की ये इक्वेशन ट्रू होगी अब यहां पे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें लेफ्ट साइड पे 4y है और सेकेंड इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे 3y है तो अगर हम इक्वेशन टू को इस इक्वेशन वन से सब्ट्रेक्ट कर दें तो फोर वाई माइनस थ्री वाई लेफ्ट साइड पे हमारे पास वाई बचेगा तो इट मींस वाई की वैल्यू आ जाएगी और राइट right साइड पे डेफिनेटली सिर्फ एक्स वेरिएबल होगा तो इसको आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं तो इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास y इज इक्वल टू सेवन एक्स माइनस थर्टीन आ जाएगी और y इन टर्म्स ऑफ x यही इक्वेशन लिखी हुई है इट मींस दिस इज ट्रू तो डी ऑप्शन करेक्ट होगी लास्ट एम सी क्यूज दीज टू इक्वेशंस डू नॉट हैव एनी प्रॉपर सोल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन है फोर एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फाइव एंड टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव अब इन दोनों इक्वेशंस को भी स्टूडेंट्स आप रफ में सॉल्व करके चेक कर लेंगे इन दोनों इक्वेशंस का सोलूशन निकलता है या नहीं निकलता अब देखें गौर करें फर्स्ट इक्वेशन में वाई का कोफिशियंट माइनस टू है और सेकेंड इक्वेशन में वाई का कोफिशियंट माइनस वन है अब वाई के कोफिशियंट दोनों इक्वेशन में अगर हमें सेम करने हैं तो इक्वेशन टू को हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टू आर फोर एक्स माइनस टू वाई ज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट फाइव आ जाएगा अब ये इक्वेशन थ्री आ गई हमारे पास वन और थ्री को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू कैंसिल x की वैल्यू निकल आएगी अब करके देखते हैं क्योंकि इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो फोर एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फाइव वैसे तो यह इक्वेशन लिखने से ही पता चल रहा है कि दोनों इक्वेशन सेम हो गई हैं तो डेफिनेटली इनका सोल्यूशन नहीं निकलेगा लेकिन आप इसको सब्ट्रैक्ट करके भी देख लें तो तमाम टर्म्स कैंसल हो जाएंगी जब तमाम टर्म्स कैंसल हो गई तो ना एक्स की वैल्यू बची ना वाई की वैल्यू बची तो डेफिनेटली दीस टू साइमल्टेनियस इक्वेशन दिस इज ट्रू तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज